नमस्कार, आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट, यानी कि जो खबर कल आपको देखनी है वो छपनी है, वो खबर आज आपको बताते हैं और विश्लेषण के साथ में बताते हैं। तो इसमें इस खबर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम एक खबर महत्वपूर्ण बताने जा रहे हैं जो पहाड़ी राज्य है, यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड में कांग्रेस से जुड़ी एक खबर है, बहुत कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं कही जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, और वो किस तरह से चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं ये सब जानते हैं। वो पंजाब के प्रभारी भी रहे हैं और पंजाब के प्रभारी पद से वो हटना चाहते हैं ताकि पूरा कंसंट्रेशन कर सकें उत्तराखंड की राजनीति में, क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव होने हैं और चुनाव में वो कांग्रेस को जीत दिलाने की बार बार बात कर रहे हैं। लेकिन आज जो उन्होंने एक ट्वीट किया, अभी अभी आपको ट्वीट दिखाएंगे और बताएंगे कि उनके ट्वीट के पीछे का राज क्या है। क्या कांग्रेस वाकई में अपने एक और नेता को खोने जा रही है? ये बहुत समझने की बात है कि जिस तरह से कांग्रेस, जैसे पंजाब में हुआ अमरिंदर सिंह, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है। उसके बाद में कई जगह ऐसी देखने को मिल रही है जहां पे कांग्रेस शायद अपने लिए ही परेशानियां पैदा कर रही है। उसी की कड़ी में हरीश रावत का जो ट्वीट है, ट्वीट में उन्होंने साफ साफ कहा है, आपको ट्वीट दिखाते हैं। उन्होंने कहा है कि चुनावी रूपी समुद्र, उनके चुनावी रूपी समुद्र के नाम से उन्होंने ट्वीट किया है। है ना अजीब सी बात, चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है। सहयोग के लिए संगठन का ढांचा, अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर कर खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है, जिस समुद्र में तैरना है। तो आप ये समझ रहे होंगे कि किस तरह से ये बात कही गई है और किस समय की गई है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल दरवाजा दस्तक दे रहा है उत्तराखंड में और पूरी तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी जो इस समय वहां पर सत्ता में काबिज है, वो पूरे जोर जोश और खरोश से लगी हुई है कि वो फिर से सत्ता में वापसी करे। वहीं पर कांग्रेस के पास में ये दमखम था कि वो फिर से सत्ता में अपने आप को, जो एंटी इनकम्बेंसी जो बीजेपी के खिलाफ वोटर हैं उनको, उनका फायदा ले सके। लेकिन जो हरीश रावत का ट्वीट है उससे शायद कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। आगे एक ट्वीट उन्होंने इसी के साथ में किया हुआ है, वो भी आपको पढ़ के बताते हैं। सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं जिनके आदेश पर तैरना है, उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। मन में बहुत बार विचार आ रहा है कि हरीश रावत अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय है। इन्होंने इसके बाद में एक तीसरा भी ट्वीट किया, फिर उसमें आगे लिखते हैं, फिर चुपके से मन के कोने से आवाज उठी है, न दैन्यम न पलायनम, बड़ी उहापो की स्थिति में हूं, नया वर्ष शायद रास्ता दिखा दे, मुझे विश्वास है कि भगवान केदारनाथ जी इस स्थिति में मेरा मार्गदर्शन करेंगे। इन्होंने टैग किया हुआ है उत्तराखंड कांग्रेस को। तो अब आप ये समझने की कोशिश करिए कि उत्तराखंड की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा और पूर्व मुख्यमंत्री, जिनके नाम पर आप चुनाव लड़ने की तैयारियों में जा रहे हैं, उनका कहना है कि संगठन उनका सहयोग नहीं कर रहा है, संगठन उनका सहयोग नहीं कर रहा है, नकारात्मक स्थितियां बन रही हैं, वो काम करना चाहते हैं लेकिन उनका सहयोग नहीं हो रहा है। ये कांग्रेस के लिए एक अच्छी संदेश नहीं है, ये कांग्रेस का कहीं ना कहीं दिक्कत आगे पैदा कर सकता है, कांग्रेस को परेशानी हो सकती है, कांग्रेस फायदा उठा सकती है उत्तराखंड में, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ में जो एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही है वो मौजूद है, उसका फायदा उठा सकती है। लेकिन जिस तरह की स्थितियां हरीश रावत बता रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि जो बड़े नेता हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर निराशा है और नकारात्मकता की स्थितियां कार्यकर्ताओं तक पहुंच चुकी है, जिसके कारण कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है यदि स्थितियां ना बदली। तो आप देखते रहिए बिफोर प्रिंट में, आपको लगातार चुनावों की से संबंधित और जो अन्य घटनाक्रम है उनकी खबरें पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।